हेलो, आई कुडंट हियर यू, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? क्या आप अपनी बात दोबारा दोहरा सकते हैं? आई कुडंट कैच यू, मैं आपकी वो बात पकड़ नहीं पाया। पार्डन मी, आई कुडंट हियर यू, माफ़ करना, मैं आपकी वो बात सुन नहीं पाया। छह इंटरेस्टिंग तरीके ये कहने के कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा थकना। आई एम ड्रेन्ड आउट, ड्रेन्ड आउट मतलब इतना ज़्यादा थकना कि पूरी ताकत खत्म हो जाना। आई एम डॉग टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, यू लुक सो डॉग टायर्ड। आई एम वॉर्न आउट मतलब आप इतना ज़्यादा थक चुके हो कि पूरा घिस गए हो। आई एम डन, आप जब कोई काम करके बोलते हो, थक के बोलते हो आई एम डन, तो इसका मतलब है इससे ज़्यादा और नहीं। आई एम वॉश्ड आउट, ही लुक्स वॉश्ड आउट, एक्सट्रीमली टायर्ड। म्यूजिक बहुत लाउड है ना? द म्यूजिक इज वेरी लाउड, इजंट इट? आपको ठंड लग रही है ना? यू आर कोल्ड, आंट यू? पॉइंट टू बी नोटेड, हिंदी में है ना और इंग्लिश में सिंपली वर्ब का नेगेटिव फॉर्म। वो बहुत लंबा है, he is very tall, isn't he? They are good dancers, aren't they? अब गया वो जमाना जब हम सॉरी कहते थे, तो चलिए जानते हैं सॉरी कहने के कुछ बेहतर तरीके। I sincerely apologize, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। I regret what I did, जो मैंने किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। Please forgive me, please मुझे माफ कर दो। This won't happen again, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब गया वो जमाना जब हम थैंक यू कहते थे, तो चलिए जानते हैं थैंक यू कहने के और भी कुछ बेहतर तरीके। I'm so grateful to you, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। I would like to express my gratitude, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I can't thank you enough, मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। I owe you, मैं आपका ऋणी हूँ। I really appreciate what you did, आपने जो किया मैं उसकी सराहना करता हूँ। और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग लेसन के लिए सब्सक्राइब कीजिए बूस्टिंग पावर, और अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो कीजिए।